हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेनर एनालिसिस कर ली थी। इस सीरीज में हमने सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी एंड एचसीपी में देखा था कि किस तरीके से प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्लेनर डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन प्लेन एंड एपीएफ किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, अगर हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने अगर वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं एक्सरे डायफ्रेक्शन। बेसिकली ये शॉर्ट नोट की सीरीज है, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर्स को ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, हम एक्सरे डायफ्रेक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली ये क्या है, प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है एंड ये तीसरा प्लेन है। तो इस तरीके से इनका बीच का जो डिस्टेंस है डी, उसको डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, ओके। एंड अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कोई एक्सरे इस तरीके से आएगा, आके यहाँ से ये डायफ्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद अनदर कोई आ रहा है तो इस वाले से भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही बीम, मतलब एक्सरे केवल एक ही आ रहा हो, उसमें ये बंच ऑफ एक्सरेज फॉल होती हैं हमारे क्रिस्टल पे एंड डिफरेंट प्लेन से वो डायफ्रैक्ट होती हैं। तो हमने अभी कंसिडर किया है कि एक किसी इस एटम से डायफ्रैक्ट हो रहा है, दूसरा इस एटम से डायफ्रैक्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ये जो प्लेन है, इसके साथ ये थीटा बी, थीटा बी से इसीलिए डिनोट करवा रहा हूँ, बी फॉर ब्रैक्स, ओके। तो थीटा बी क्या है हमारा, ब्रैक्स एंगल, ठीक। तो ये थीटा बी है, तो थीटा बी से डायफ्रैक्ट हो रहा है और थीटा यहाँ पे ये वाला भी थीटा बी से ही डायफ्रैक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और ये परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम जब निकालेंगे पाथ डिफरेंस, तो डी साइन थीटा भी प्लस डी साइन थीटा भी, ए वाला एंड ए वाला, ये दोनों ही डी साइन थीटा भी आएंगे। तो पाथ डिफरेंस हमारा आ जाएगा 2d साइन थीटा भी एंड यहाँ से एन लैम्डा। ये बेसिकली हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे हमने जो पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे क्वांटिटी आता है लैम्डा अपॉन 2π, बेसिकली उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसके बाद हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो ऐड हो जाएगा 2d साइन थीटा बी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एन क्या है, एन बेसिकली ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस है और ऑर्डर ऑफ डायफ्रेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बी इज़ अ ब्रैक्स एंगल। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में हमें ब्रैक्स एंगल दिया जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर डायफ्रेक्शन एंगल दे दिया जाए तब हम किस तरीके से टैकल करेंगे प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे जो डायफ्रेक्शन एंगल दिया जाएगा, हम क्या करेंगे, ब्रैक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करवा देंगे तो हमको थीटा भी मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि अगर ब्रैक्स एंगल इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी घटती जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं, इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे हमने देखा है कि अगर हम क्रिस्टल को कंप्रेस्ड करें, कंप्रेस्ड जब करेंगे तो मतलब कि जो प्लेन से इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो डिक्रीज होगी, और अगर स्ट्रेस्ड करें तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग बढ़ेगी। तो क्या होगा, एक्सआरडी जो पैटर्न है वो बेसिकली लोअर और हायर डायफ्रेक्शन एंगल की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ओके। तो हम डेल्टा डी किस तरीके से फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने क्या किया कि जो हमने फाइंड आउट किया था 2d साइन थीटा बी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब हमने क्या किया कि इसको डी और थीटा बी, ये दोनों ही वेरिएबल हैं, इनके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया और ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप इसे भी मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर
ये तो केस था एक्सरे डायफ्रेक्शन का। अब हमें अगर इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन का केस दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन के केस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का यूज़ करने लगेंगे और उसके लिए और फॉर्मूला यूज़ करने लगेंगे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एच अपॉन पी डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, ये ऑलवेज ट्रू रहेगी चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो या एक्सरे हो, ये हाइपोथेसिस ऑलवेज ट्रू रहती है। ओके, रिलेटिविटी के केस में भी ये हाइपोथेसिस आपकी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से सिंपल कुछ फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन का यूज़ क्या होता है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन जो होता है वो बेसिकली हमको सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा रहता है न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन में भी सेम जो वेवलेंथ है वही चेंज रहेगी, बाकी सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अगर आपको आपके पास कोई भी क्रिस्टल है और आपने उसकी मैग्नेटिक स्टडी करनी है तो आप न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन डायफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन एंड एक्सरे डायफ्रेक्शन। इन सभी में क्या होता है कि एक किया जाता है रीट्वेल्ड रिफाइनमेंट, आपने जो डाटा लिया है उसको थ्योरेटिकली मैच करवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लेन्स की पोजीशंस को फाइंड आउट करते हैं और उसका सेल वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप रीट्वेल्ड रिफाइनमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ एक्सआरडी पीक्स, कि किस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ एक्सआरडी किसी प्लेन्स के लिए ज़्यादा होती है, किसी के लिए कम होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, कि ये किस तरीके से इसका फॉर्मूला डिफाइन रहता है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।